इन गानों को आप ट्राई करके देखिए। शुद्ध स्वरों का ज़्यादा प्रयोग है, हरकतें ज़्यादा हैं नहीं, मुर्कियाँ नहीं हैं, रेंज में भी आपके सरलता से ही आ पाएंगे गाने। सरल ताल पर आधारित है कैरवा, इसकी जो पैटर्न है जो इसका ताल के साथ गाने का, वो सरलता से कोई भी फॉलो कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज आपके समक्ष एक बहुत ही गजब का टॉपिक लेके आया हूँ, 6 ईजीएस्ट सॉन्ग्स ऑफ किशोरदा। जी हाँ दोस्तों, वो गाने जो आप सरलता से गा सकते हैं अगर आपने संगीत नहीं भी सीखा है, केवल सुन सुन कर भी। दैट मीन्स 6 सॉन्ग्स विच कैन बी अटेम्प्टेड बाय एनीवन, बिगिनर लेवल स्टूडेंट या फिर जिन्होंने संगीत बहुत ही ना के बराबर सीखा है, वो इन गानों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सबके फेवरेट आदरणीय किशोर कुमार साहब वर्सेटाइल सिंगर हैं। मुश्किल गाने भी गाए हैं, गज़लें भी गाई हैं, और कुछ ऐसे गाने जो कि क्लासिकल बेस्ड हैं वो भी गाए हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो कि हमारे जहन में बस चुके हैं। तो मेरा आज लेक्चर बनाने का यही मेन एम है दोस्तों, कि उन गानों का वर्णन मैं करूं और वो गानों का कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूं और ये चीज़ साबित करूं कि ये गाने क्यों इजी सॉन्ग्स हैं किशोरदा के। देखिए दोस्तों, वैसे तो किशोरदा साहब की रेंज भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत साउथ नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल ऐसे डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट के गाने भी गाए हैं। मैंने कई लेक्चर्स में उनका जिक्र भी किया, लेकिन आज 6 गाने मैं आपके समक्ष बताऊंगा जो कि आप अगर बिगिनर हैं या फिर आप संगीत में रुचि रखते हैं तो इन गानों को आप सुनकर भी बिना सीखे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर बहुत गजब का होने वाला है, पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत ही गजब का लेक्चर होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला गाना जो है दोस्तों, आरडी बर्मन साहब की कंपोजिशन है, और ये गाना आप सरलता से इसको गा सकते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। हाँ, पिच का ज़रूर फर्क पड़ेगा, मैं पर्टिकुलर हर एक सॉन्ग का दोस्तों आपको पिच बताऊँगा, और पर्टिकुलर सॉन्ग में क्या टॉनिक कॉर्ड लगा है, कौन सी राग पर आधारित है, और कौन कंपोज़र है उनके, और उसके साथ साथ स्थाई की जो नोटेशन है वो मैं बताता हुआ चलूँगा, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि हाँ, इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, रेंज का काम भी इसमें कम है और विकृत स्वर भी कम लगे हैं, इसलिए ये इजी सॉन्ग हो जाता है। तो पहला गाना दोस्तों है आरडी बर्मन साहब की एक बहुत ही गजब की कंपोजिशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। अब ये क्यों है इजी सॉन्ग? सबसे पहले इसमें सिर्फ एक ही विकृत स्वर है दोस्तों, कोमल नी। दूसरा, रेंज का काम इसमें कम है, 95% दैट मीन्स शुद्ध स्वर लगे हैं इसमें। गा पा गा रे सा रे रे मा रे सा नी सा गा रे मा गा। अब ये सा गा रे मा गा, ये राग झंझोटी है, ये चलन ही राग झंझोटी की है, जो कि बर्मन दा ने इस लाइट सॉन्ग में देखिए क्या प्रयोग किया, गजब। वापस देखिए, प्यार दीवाना होता है, एकदम सीधे सीधे खड़े खड़े स्वर लग रहे हैं। मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। इस गाने को दोस्तों किशोरदा ने F मेजर पे गाया है, दैट मीन्स चौथा सफ़ेद। लेकिन मैंने आज के लेक्चर के पर्पज़ के लिए दोस्तों जो मैंने पिच लिया है वो तीसरा काला लिया है, दैट इज़ F#। दैट मीन्स मैं इस गाने के लिए आधा स्वर ऊपर लिया मैंने, और ये यूनिफॉर्म जो मैं आपको 6 गाने अभी 5 गाने इसके बाद और बताने वाला हूँ उसमें भी मैं यही पिच लेके चलूँगा, जस्ट सो एज टू मेंटेन अ यूनिफॉर्मिटी इन कम्प्लीट लेक्चर। ठीक है दोस्तों, हर एक गाने का टॉनिक कॉर्ड बताता हुआ चलूँगा। जैसे इस गाने का टॉनिक कॉर्ड दोस्तों F मेजर है, लेकिन मैंने तानपुरा F# से ट्यून कर रखा है, मतलब तीसरे काले से। लेकिन इसका जो टॉनिक पिच है दोस्तों वो है चौथा सफ़ेद। तो ये पहला गाना पिच कैन बी अटेम्प्टेड बाय ऑल। दूसरा गाना जो है दोस्तों वो कल्याण जी आनंद जी साहब की बहुत ही गजब की रचना है, जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते, वो है गाना पल पल दिल के पास। देखिए दोस्तों, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अब धैवत से शुरुआत हो रही है इस गाने की, एक यही चीज़ ध्यान रखनी है,
धनी सा ग रे रे निध धनी नी सा सा तो पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सिंपल बिलावल पर आधारित है। सारे गामा पा धनी सा सानी दा पा मागरे सा, तो इजीली आप गा सकते हैं। इस गाने को दोस्तों जी पिच पर गाया गया। जी पिच मतलब सी डी ई एफ जी, मतलब पांचवा सफ़ेद, लेकिन मेरा एफ शार्प पर ट्यून है। ठीक है दोस्तों, जी मेजर से अगर मैं सा मानूँ तो ये गाना दोस्तों धैवत तक जाता है। तो मतलब इसकी जो मैक्सिमम जो पिच है दोस्तों वो धैवत तक है। इससे पहले वाला जो गाना बताया था मैंने दोस्तों प्यार दीवाना होता है, वो कोमल निषाद तक जा रहा था लेकिन उसका पिच एफ था। तो ये चीज़ दोस्तों आपको देखनी है कि ये आपकी रेंज में दोस्तों आ रहा है। अगर रेंज में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो अपना पिच आप नीचे कर सकते हैं, और अगर आपको नीचे पड़ रहा है तो अपना पिच ऊपर भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे गाने का सा डिसाइड होता है दोस्तों, क्योंकि ओरिजिनल सिंगर ने जो गाना गाया है वो अपनी रेंज के अनुसार गाया है। रेंज सबकी अलग अलग होती है इसलिए पिच अलग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गाना कैन बी अटेम्प्टेड बाई ईच एंड एवरी वन। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। तो धनी सा ग रे रे धनी धा धनी नी सा सा ग मा पा धा पा पा रे रे गा मा गा रे गा रे सा रे सा नी सा नी धनी सा ग रे रे नी धा धनी नी सा सा। समझ रहे दोस्तों, बिलावल राग पर आधारित है। तो दिस सॉन्ग कैन बी अटेम्प्टेड बाय ऑल। तीसरा गाना दोस्तों मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो किशोर दा की खुद की रचना है दोस्तों। देखिए क्या गजब के हरफन मौला कलाकार थे वो, रचनाएं भी की उन्होंने, गाया तो है ही, हम सब जानते हैं। वो कौन सा गाना है दोस्तों, देखिए। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। देखिए सीधे सीधे स्वर हैं, सारे गा पा धा सा धा पा ग रे सा। ये गाना डी शार्प भोपाली पर आधारित है। ये देखिए, सारे गा पा ग रे सा गा, सारे गा पा ग रे सा, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। आगे देखिए, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर, बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर, बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। तो दिस सॉन्ग कैन बी अटेम्प्टेड बाय ऑल, अ वेरी इजी सॉन्ग बेस्ड ऑन राग भोपाली। इस गाने की अगर मैं पिच की बात करूं दोस्तों तो डी शार्प से किशोरदा ने गाया तो मैक्सिमम तार सप्तक के षड्ज तक ये गाना जाता है। तो रेंज में आई थिंक इतनी रेंज तो सबकी होती है, अगर दूसरे काले को भी हम सा माने तो सा तक तो रेंज मतलब गला सबका जाता है, तो इसलिए ये गाना भी आप सरलता से गा सकते हैं। चौथा जो गाना है दोस्तों वो भी किशोरदा साहब की ही रचना है। जी हाँ, कंपोज़र इसके भी किशोरदा हैं। वो गाना है आचल के तुझे। देखिए राग पहाड़ी का असर है इस गाने में, क्योंकि मध्यम और निषाद काफ़ी प्रयोग हुआ है। वैसे तो राग भोपाली और पहाड़ी का काफ़ी संबंध है, वो जब मैं राग लूँगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन बहरहाल देखिए मध्यम और निषाद के साथ साथ तीव्र मध्यम और कोमल धैवत का भी इस गाने में प्रयोग दिखता है, बहुत अल्प प्रमाण, इसलिए ये मिश्र पहाड़ी पर आधारित ये गाना है।
इस गाने को भी किशोर दा ने डी शार्प मतलब दूसरे काले से गाया है दोस्तों। और देखिए सरलता से आप इस गाने को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैं आपको गा के बताता हूँ। आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। तो पासा रे सा पासा सा रे ग म ग प म ग रे परे रे ग रे परे रे ग रे रे ग नी सा प म ग पासा सा रे ग म ग सा। राग पहाड़ी का असर देखिए किशोरदा साहब की ही कंपोजिशन है और ये भी आप सरलता से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम गाना दोस्तों डी शार्प से अगर मैं देखूं तो ये धैवत तक जाता है दोस्तों। मैक्सिमम इस मतलब कंपोजिशन अगर मैं देखूं तो धैवत तक जाता है। इसका मतलब अगर आप एफ शार्प से गा रहे हैं तो सारे गामा पा धा धा यहाँ तक जा रहा है, लेकिन ओरिजिनल कंपोजिशन जो किशोरदा ने गई है वो अगर मैं देखूं सारे गामा पा धा धा यहाँ तक ये गाना जाता है, लेकिन मैंने लेक्चर के लिए पिच क्या लिया दोस्तों सा एफ शार्प तीसरा काला, ठीक है। तो ये भी एक सरलतापूर्ण आप इस गाने को भी निभा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं अपनी लाइव परफॉर्मेंस में। मेरा सिर्फ काम है रास्ता दिखाना आपको कि आप कौन से गाने इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो गाना है दोस्तों शिव हरी साहब की कंपोजिशन है एफ शार्प, मतलब इसी पिच पर किशोरदा साहब और लता जी ने इस गाने को बहुत ही बखूबी गाया है। ताल दादरा पर आधारित है और राग भोपाली पर बेस्ड ये गाना है। देखिए दोस्तों आप ये सरलता से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिगिनर लेवल सॉन्ग ऑफ किशोरदा। देखिए देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। देखिए शुद्ध स्वर लग रहे हैं और भोपाली के स्वर हैं, भोपाली नी भी आती तो भी आप इस गाने को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। अब आगे ये गिला है आपकी निगाहों में फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। आगे अंतरा देखो, अंतरा भी कुछ इतना डिफ़िकल्ट आपको नहीं पड़ेगा। हाँ फीमेल पोर्शन में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए क्योंकि ये गिला है आपकी निगाहों में, अब यहाँ सुनिए फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए, ठीक है। अंतरा देखिए मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी ये तेरे प्यार की है जादूगरी आहा। समझ रहे दोस्तों, तो ये गाना भी आप सरलता से राग भोपाली का है अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन अ इजी सॉन्ग ऑफ किशोरदा विच कैन बी अटेम्प्टेड बाय ऑल। एक और लास्ट में मैं आपको गाना बताना चाहूँगा दोस्तों जो कि अगेन आर डी बर्मन साहब की कंपोजिशन है। इसका जो पिच है दोस्तों वो है ए, अगर कॉर्ड की बात करूँ तो ए माइनर, ए नेचुरल माइनर, ठीक है दोस्तों। और छठा सफ़ेद हम इसको अपनी देसी भाषा में कहते हैं दोस्तों सा। अब मैं एफ शार्प है मेरा सा, तो ओ मेरे दिल के चैन ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अभी देखिए सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। राग मिश्र भैरवी या फिर आप कह सकते हैं असावरी थाट के स्वर पर आधारित है कि नहीं।
अब ये क्यों इजी सॉन्ग कह रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि इस गाने में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, मुर्कियाँ नहीं है, समझ रहे दोस्तों, रेंज में आ सकता है। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो ज़रा, हाय ऐसे ना आहे भरा कीजिए, सानी सा सानी सानी प पानी पमा मा प पानी नि सा सा रे नि रे रे नि सा, ओ मेरे। सरलता से गा सकते हैं आप इस गाने को, दिल के चैन अब चैन, इसका ध्यान रखना है, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, समझ रहे दोस्तों। तो ये 6 गाने मेरा प्रयास था दोस्तों आपके समक्ष में लाऊं, ताकि जो लोग कोशिश करते हैं कि मैं ये गाना भी गा लूं ये गाना भी गा लूं, वो वहाँ से हटकर एक प्रॉपर डायरेक्शन में आ पाए कि हाँ ये गाने तो यार हमने सोचे नहीं थे। इन गानों को आप ट्राई करके देखिए, शुद्ध स्वरों का ज़्यादा प्रयोग है, हरकतें ज़्यादा है नहीं, मुर्कियाँ नहीं है, रेंज में भी आपके सरलता से ये आ पाएंगे गाने। सरल ताल पर आधारित है कैरवा, 5 गाने कैरवा पे बताए मैंने, 1 गाना मैंने आपको दादरा में बताया, और इसकी जो पैटर्न है जो इसका ताल के साथ गाने का, वो सरलता से कोई भी फॉलो कर सकता है। तो ये मेरा प्रयास था दोस्तों टू प्रेजेंट सम इजी सॉन्ग्स ऑफ किशोरदा विच कैन बी अटेम्प्टेड बाय ऑल। थैंक यू सो मच। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा दोस्तों, और इन गानों की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और आपका कौन सा गाना है किशोरदा का जो आपको बहुत ही सरल लगता है वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।